वही शून्य है, वही एकाए, आदि भी वही है और अंत भी वही है। नमस्कार, पल पल इंडिया के तमाम दर्शकों को सबसे पहले काल भैरव अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बताकर ये अच्छा लग रहा है कि काल भैरव जो है वो अपने आप में वर्तमान स्वरूप में एक प्रत्यक्ष देवता के तौर पर माने जाते हैं और शंकर जी का अवतार है। और गोंडवाना साम्राज्य की अगर बात करें तो संग्राम शाह जो स्थान है तो वो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हालांकि कई लोग बट भैरव भी कहते हैं, लेकिन वो संज्ञान है, संज्ञा है। हमारे साथ में काल भैरव अष्टमी को लेकर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रोहित आचार्य जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी से जानेंगे, आचार्य जी से जानेंगे कि क्या महत्व होता है आचार्य जी काल भैरव अष्टमी का। सभी को काल भैरव अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। काल भैरव भगवान शिव के अंशावतार कहे जाते हैं, जो इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता के रूप में विद्यमान है। काल भैरव कहीं भी मनुष्य सच्चे मन से आराधना करता है तो निश्चित ही उसे उसका फल प्राप्त होता है। काल भैरव इस बार शनिवार 27 तारीख को काल भैरव अष्टमी होने के कारण अत्यंत शुभ मुहूर्त नक्षत्र में है। शनिवार शनि देवता का दिन भी माना जाता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार शनि राहु केतु से उत्पन्न दोषों की शांति के लिए लोग भगवान काल भैरव की शरण में जाते हैं। भगवान काल भैरव उन मनुष्यों के राहु केतु शनि आदि के दुष्प्रभावों से अवश्य रक्षा करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, किस तरह से, चूंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही काल भैरव की अष्टमी मनाई जाती है, क्या महत्व रखते हैं वो? और चूंकि ये भी कहा जाता है कि उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी श्रद्धा करना कहीं ना कहीं बहुत कठिन है। कठिन तो है परंतु उतने ही सरल भी है। काल भैरव यदि मनसा वाचा कर्मणा से सिद्ध होकर मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में रखकर भगवान काल भैरव की आराधना करता है तो जितना कठिन उन्हें देवता के रूप में जाना जाता है उतने ही सरल बन जाते हैं। क्योंकि चूंकि भगवान शिव के अवतार हैं, उन्हीं के समान तुरंत क्षण प्रसन्न होकर और तुरंत फलों को देने वाले हैं। जी, चूंकि आपने फलों की बात करी है तो इस दिन जितने भी भक्त हैं वो किस तरह से, या जितने भी श्रद्धालु हैं किस तरह से इस काल भैरव अष्टमी का पूजन अर्चन करें और क्या दिन में उपाय करें? भगवान काल भैरव के दिन अपने नित्य कर्मचारी से निवृत्त होकर भगवान काल भैरव के मंदिर में जाकर उन्हें उनकी प्रसन्नता के लिए इमरती, दही, उड़द के बड़े जिसके संस्कृत में माश भी कहा जाता है, उसका भोग लगाकर उन्हें मदार के फूलों से पूजन करके तिली का तेल अथवा अपनी ज्योतिषीय राशि के अनुसार तेल का दीपक लगाने से भगवान काल भैरव निश्चित ही प्रसन्न होकर और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी, किस तरह से अन्य राशियों में या जितने भी जातक हैं उनकी राशियों में क्या प्रभाव डालते हैं? भगवान काल भैरव 12 राशियों के लिए सभी के लिए समान रूप से फलदायक है। जी, यदि मनुष्य किसी भी प्रकार से उनकी सच्चे मन से आराधना करता है तो वे उसे अवश्य ही उसका फल देते हैं। जी, और जितने भी श्रद्धालु हैं हमारे या पलपल इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उनसे जाते जाते आप अंतिम संदेश क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि सभी मनुष्य, सभी लोग भगवान काल भैरव की सच्चे मन से आराधना करें। भगवान काल भैरव प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्हें जितना कठिन कहा जाता है वास्तव में उतने कठिन है नहीं, बहुत सरल देवता हैं और निश्चित ही मनुष्य के पराक्रम से अर्थात पुरुषार्थ से प्रसन्न होकर उसे अवश्य ही उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सभी संकटों का, व्याधियों का नाश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जितने भी आपके संकट हैं अगर आप इस दिन में उनकी सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं तो आपके तमाम कष्ट हर जाएंगे। पल पल इंडिया में लगातार आप देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा।